पहले ये स्पर्म है, ये स्पर्म का एक्रोसोम बॉडी टेल हेड, बॉडी टेल इसको एक्रोसोम हेड करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि बॉडी में है और ये टेल है। इसके बाद इस पे आओ, ये है हमारे पास डेवलपमेंट शो कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये है फॉलिकल, ये है ग्रोइंग फॉलिकल, ये है कॉर्पस ल्यूटियम और ये है कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। दोबारा ये है फॉलिकल, ये देखो ये है फॉलिकल, ये है ग्रोइंग फॉलिकल, ये है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकन्स, ये एज अ होल पूरा ग्रेफियन फॉलिकल है। ये जो ये वाले सेल है ना, ये है क्रोना रेडिएटा, ये है अंदर, ये देखो अब इसके पास आओ ना, तो ये देखो ये क्रोना रेडिएटा, ये अलग से जो बिल्कुल क्लीन पोर्शन है ना, ये जोना पेलोसिडा और ये प्राइमरी ओस्पिड है। अब ये सारी उसकी डेवलपमेंट है। यहाँ मेटाफेज है इक्विलेटरल प्लेट, ठीक है, मेटाफेज इक्विलेटरल प्लेट। अब यहाँ पर ये सबसे पहले ये वाला जो एरिया है ना, ये उन्होंने एक चीज़ में सब कुछ शो किया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है, ठीक है, ये न्यूरल ग्रूव है, ये न्यूरल फोल्ड ऊपर उठे हुए हैं और ये न्यूरल प्लेट बन गई है, ठीक है। इसके बाद ये अब डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। अब ये सबसे पहले जो है ना, ये सबसे पहले देखो यहाँ पे है हमारे पास ये लेंस पेला कोड, ऑटिक पेला कोड, हेड बर्ड, टेल बर्ड, लिम्ब बर्ड और ये फ्रेंजियल आर्चेस, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंजियल आर्चेस, लिम्ब बर्ड, टेल बर्ड, हेड बर्ड, लेंस पेला कोड, ऑटिक पेला कोड, ठीक है। ये अब हमारे पास पूरी फेलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है और ये ओवरीज है। अब बेबी की डेवलपमेंट इम्प्लांटेशन होगी बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है। इसके बाद अभी एज अ होल उसकी सारी चीज़ें डेवलपमेंट है। अब ये प्लेसेंटा है, ये मेटर्नल पार्ट है प्लेसेंटा का, ठीक है। अब देखो ये अम्ब्लाइकल आर्टरी, अम्ब्लाइकल वेन है, ये मेटर्नल पार्ट है। अब इधर आ जाओ तो ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम में ये स्पाइरल आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ठीक है। ये प्लेसेंटल बैरियर है जिसमें अम्ब्लाइकल वेन है, अम्ब्लाइकल आर्टरीज हैं। इसमें है हमारे पास प्राइमरी विलाई, बिल्कुल ब्राउन है, सेकेंडरी विलाई जिसमें थोड़ा सा येलो कलर का, और टर्शरी विलाई जिसमें ये एज अ होल सारा है, ठीक है। ये था एंडोमेट्रियम, ये प्लेसेंटल बैरियर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी विलाई।